एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस इज़ अ वीडियो सीरीज ऑन बायोलॉजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के रिलेटेड, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई से होती हैं। ये हम वो सारे डिजीजेस कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में आएगा आपके एग्जाम्स में, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए। पहली डिजीज है वूपिंग कफ, जिसे पर्टूसिस भी कहते हैं। ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है? बोर्टेटेला पर्टूसिस। डाइप्थीरिया होती है कॉर्नी बैक्टीरियम डाइप्थीरिया से। कॉलरा होती है विब्रियो कॉलरा से। अब देखिए, डिजीज का जो नाम है और बैक्टीरिया का नाम थोड़ा सिमिलर है, तो आप याद करने में आपको आसानी होगी। लेप्रसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से। टेटनस क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई से। टाइफाइड वेरी इंपॉर्टेंट सैल्मोनेला टाइफी। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्लेग यार्सिनिया पेस्टिस। डाइसेंट्री शिगेला डाइसेंट्री। फूड पॉइजनिंग होता है सैल्मोनेला कैंपिलोबैक्टर इकोलाई और शिगेला। गोनरा होता है निजेरिया गोनरे से। सिफिलीज होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम से। और एंथ्रेक्स होता है बैकिलस एंथ्रेसिस से। अब हम पढ़ेंगे वो डिजीज जो वायरस के कारण होती हैं। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस। कॉमन कोल्ड जो हमें होता है राइनो वायरस से। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस से होता है, दैट इज HIV। मीजल्स मीजल्स वायरस। मम्स मम्स वायरस। रेबीज रेबीज वायरस, ये बिलोंग करता है रैबडोवायरिडी फैमिली से। डेंगू फीवर होता है डेंगू वायरस से। और वायरल एंसिफेलाइटिस, बेसिकली ये क्या है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेन में, ये होता है रेबीज वायरस से, हर्पीस सिंप्लेक्स से, पोलियो वायरस से, मीजल्स वायरस से एंड JC वायरस। अब हम करेंगे जर्मन मीजल्स, जिसे रुबेला भी कहते हैं। रुबेला वायरस से होता है, तो आपको एग्जाम में रुबेला नहीं पूछेंगे, क्योंकि वायरस का नाम में भी रुबेला है। आपको पूछ सकते हैं जर्मन मीजल्स किस वायरस से होता है। येलो फीवर होता है, इट्स एर्बो वायरस, ये एथ्रोपॉड बॉर्न वायरस है। पोलियो मेलिटीज, दैट इज पोलियो, पोलियो वायरस से होता है, RNA वायरस है। अब हम करेंगे वो डिजीज जो प्रोटोजोआन से होती है। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस मॉस्किटो होता है। ये एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, ये ना ही वायरस है ना ही बैक्टीरिया है। सिंगल सेल पैरासाइट है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है रेड ब्लड सेल्स में, जो ह्यूमंस के। एमीबिक डाइसेंट्री होता है एंट एमीबा हिस्टोलिटिका। स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। और काला आजार वेरी इंपॉर्टेंट लिशमेनिया डोनोवानी। अब मुझे पता है ये नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर आप 3-4 बार वीडियो को देखेंगे तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है 3-4 बार पढ़िए, बहुत सारे तो सिमिलर ही हैं डिजीज के नाम से, और 3-4 बार पढ़ेंगे तो बाकी भी आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। वो डिजीज़ जो वॉर्म्स के कारण होती है, वॉर्म्स इंसान के पेट में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों में बहुत कॉमन है, बड़ों में भी कॉमन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेप वॉर्म, सॉरी वॉर्म नहीं है, वॉर्म है। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, ये खुद अपने आप पे नहीं जी सकते, इंटेस्टाइन में ही सर्वाइव करते हैं किसी एनिमल की, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन। फिलेरिसिस, ये कॉज होता है थ्रेड लाइक फिलेरियल नेमाटोड वॉर्म से। मोस्ट केसेज ऑफ फिलेरिया जो है वो कॉज बाय द पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट? मुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। पिनवॉर्म बच्चों में बहुत कॉमन है, पिनवॉर्म्स हो जाते हैं, बच्चों को डीवॉर्मिंग किया जाता है, डीवॉर्मिंग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो पिनवॉर्म बेसिकली कॉज होते हैं स्मॉल थिन वाइट राउंड वॉर्म से, जिन्हें कहा जाता है एंथ्रोरोबियस वॉर्मिकुलरिस। अब है एंसिलो स्टोमासिस और हुक वॉर्म डिजीज, ये होता है एंसिलोस्टोमा ड्यूबेनाले से। और एस्क्रियासिस होता है एस्क्रियासिस लुम्ब्रिसोइडिस से। वो कौन सी डिजीज है जो फंजाई से होती है? पहले है रिंग वॉर्म, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन। एथलीट फुट होता है ट्राइकोफाइटॉन से। मडुरा फिट होता है मोरेला माइसिटोमी से। और मेनिंग एंसिफिलाइटिस होता है नाइगेरिया फाउलेरी से, एमीबा। तो अब हम बात करेंगे वो इनिशिएटिव्स जो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, बहुत मेजर डिजीज के रिलेटेड। जापानीज एंसिफिलाइटिस आया था, दस्तक कैंपेन चलाया गया था
मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम था जो कवर करता था मेजर 13 डिजीजेस को। अब इंडिया ने कुछ डेडलाइन सेट, हमारी कंट्री ने डेडलाइन सेट की है फॉर सम मेजर डिजीज कि हमारा देश जो है वो उन डिजीज से फ्री हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस की जो सेट की गया है, विजन किया गया है बाय 2025। लेप्रेसी जिसे कोड कहते हैं, बहुत ही बुरी बीमारी है हमारी सोसाइटी में, इसका जो डेडलाइन सेट किया गया था वो 2018 किया गया था। मीजल्स और रुबेला का जो डेडलाइन है वो 2020 सेट किया गया है। सो प्लीज आप इनको भी याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस कि बायोलॉजी का लेक्चर आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट है आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। फॉर्म आप भर चुके हैं, अच्छे से पढ़े, जितना रिवाइज कर सकते हैं करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारी क्वेरीज को आंसर करें। थैंक यू सो मच।